नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास भोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स में दो मेथड्स देखने वाले हैं। एक तो होगा ABC एनालिसिस और दूसरा होगा VD एनालिसिस, और इसे हम बहुत ही पॉपुलर गाने के साथ समझेंगे। जो गाना मैं आपको बता दूं, बेबी डॉल में सोने दी ये दुनिया पित्तल दी। दोस्तों तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल के साथ में। पहले इस कंसेप्ट का मतलब मैं आपको समझा दूं दोस्तों। इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स मतलब हमारे फार्मेसी के अंदर, हमारे फार्मेसी में कौन से टाइप के कितने ड्रग होने चाहिए ताकि ये इन्वेंटरी कंट्रोल रहे, मतलब कोई भी ड्रग वेस्ट ना जाए और कोई ड्रग की कोई स्कार्सिटी ना रहे, उसकी कमतरता ना रहे, है ना। सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल रहे हमेशा, और कोई वेस्ट मटेरियल भी ना हो, कोई ड्रग एक्सपायर भी ना हो। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लाना है जो वो एक्सपायर हो जाए हमारे यहाँ, ठीक है, और इतना कम क्वांटिटी में भी नहीं लाना है कि किसी को कम गिरे। तो इसको मेंटेन रखने के लिए ये जो है इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग टाइप्स के आइटम्स को यहाँ पे नाम दिया है। ABC टाइप के आइटम है, ये ABC टाइप के एनालिसिस में आएगा, और VED टाइप के आइटम्स है, वो VED एनालिसिस में आएगा दोस्तों। और इस कंसेप्ट को हम सोना चांदी पित्तल ट्रिक से समझेंगे, और मेरा दावा है दोस्तों कि आप इस कंसेप्ट को जिंदगी भर के लिए याद रखोगे यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो के सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। अब इन आइटम्स को मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे ही बनाए नहीं है ABC VD, तो इनका फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए। A से होगा अलवेज, B से होगा बेटर, और C से होगा कंट्रोल आइटम्स, ठीक है। और VED में V से होता है वाइटल, E से इसेंशियल, और D से डिजायरेबल, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये कौन से टाइप के आइटम होते हैं और हमारे फार्मेसी में कौन से टाइप के आइटम कितने परसेंटेज में होना चाहिए और उसमें कितने परसेंटेज में हमारा खर्चा होता है, ये चीज़ें इससे रिलेवेंट है और ये हमें समझना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे फार्मेसी है, फार्मेसी में हमें तीन टाइप के आइटम रखे, ए टाइप का आइटम, बी टाइप का और सी टाइप का आइटम्स, ठीक है। और इसको VED एनालिसिस के भाषा में ए वाले को वाइटल्स बोलेंगे, बी वाले को इसेंशियल बोलेंगे और सी वाले को डिजायरेबल। ये दोनों अलग अलग एनालिसिस है, ABC वाला अलग, VED वाला अलग। तो ए टाइप के आइटम्स में कौन से आइटम्स आते हैं जो बहुत इमरजेंसी केसेस में लगते हैं, किसी पेशेंट की जान से रिलेटेड होते हैं, उसकी जान बचाने में काम आते हैं दोस्तों। तो ऐसे आइटम हमें 20% ही रखना है हमारे फार्मेसी में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम बार काम आते हैं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, ये वाइटल्स आइटम है दोस्तों। और बी आइटम्स जो होते हैं इससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ए टाइप से थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है सी आइटम से। अब ये जो इसका परसेंटेज है वो हमारे फार्मेसी में 30% अवेलेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, पूरे आइटम में से 30% बी टाइप का आइटम्स आपके पास होना उपलब्ध जरूरी है, क्योंकि ये इसेंशियल टाइप में आते हैं, ठीक है। और बचा सी टाइप का आइटम, ये बचा हुआ जो 50% है हमारे फार्मेसी के अंदर जो ड्रग, ये 50%, तो ये दोनों खा गए 20%, ये 30%, ये बचा 50% जो है हमारी फार्मेसी, ये सी आइटम से भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसका कैसा होता है, ये एक आध बार नहीं भी हुआ तो भी कंट्रोल हो जाता है, कोई टेंशन नहीं हो जाता है, उसकी जान पर खतरा नहीं होता है पेशेंट के, ठीक है। तो इसको हमने डिजायरेबल बोला है, डिजायरेबल टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दूसरे नाम भी याद रखना है, ए टाइप जो है वो यहाँ से वाइटल में आएगा, बी टाइप का जो है इसेंशियल में आएगा, और सी टाइप का जो है डिजायरेबल में आएगा। अब इस पर होने वाला खर्चा भी देख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर, अगर हमारे पास 100% पैसा है, जो भी पैसा है उसको 100% बोलेंगे, तो इस 100% में से ये ए टाइप के आइटम जो है जिंदगी बचाने के काम आते हैं, तो महंगे होते हैं दोस्तों। आप ला तो रहे 20% ही, लेकिन इस पर पूरा खर्चे में से 80% खर्चा इस पे होता है दोस्तों। कितना, 80% खर्चा तकरीबन ए टाइप के आइटम्स पे होता है। बी टाइप जो है इसेंशियल है, इतने ज़्यादा ए टाइप के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते, लेकिन सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते। तो बचा हुआ जो 20% है, ये तो 80% खा गया हमारा खर्चा, तो बचा हुआ 20% जो खर्चा है उसमें से 10% इस पे खर्चा हो जाएगा, ठीक है। 10 से 25% यहाँ लिखा है, तो 10% यहाँ पे खर्चा हो जाता है, और बचा हुआ 10% ATA ये ले गया, बी 10 ये ले गया, और बचा 10 इस पे खर्चा होना है सी आइटम्स पे दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए, ये 10% ही यहाँ पे खर्चा करे, लेकिन आ कितना रहा है, 50% माल इसका ही भरा हुआ है, लेकिन 10% खर्चे में आ जा रहा है। इस पे भी 10% खर्चे कर रहे हो, लेकिन 30% माल आ रहा है, और इस पे 80% खर्चा कर रहे हो, लेकिन माल कितना आ रहा है, 20% ही आ रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो हमारे एक्सपेंडिचर के अनुसार कितना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आइटम्स उपलब्धि हो रही है हमारे फार्मेसी के अंदर। बिल्कुल यही कंसेप्ट हमें याद रखना है दोस्तों, जिसके लिए हमने अभी आपको गाना बोला था, बेबी डॉल में सोने दी ये दुनिया पित्तल दी,
ठीक है, अब इसके सहारे भी इसे समझेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपके हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए ए बी सी को हमने क्या बोला, वाई ई डी, वाइटल इसेंशियल एंड डिजायरेबल टाइप ऑफ आइटम्स, ए आइटम्स, बी आइटम्स एंड सी टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो ए आइटम्स को हम गोल्ड बोलेंगे, सोना है ना, और सी आइटम को हम पित्तल बोलेंगे एकदम, और ये बी जो है बीच वाला चांदी रखेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वांटिटी कितना आ रहा है और कॉस्ट कितना ज्यादा रख रहा है। देखो क्वांटिटी बिल्कुल कम आ रहा है और इसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि ये गोल्ड है। ठीक है, कम क्वांटिटी आएगा ज्यादा पैसा लगेगा और ये बीच में रहेगा, और पित्तल पे आप कम खर्चा करोगे फिर भी ये ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो लड़की क्या गाना बोलती है, बेबी डॉल में सोने दी और दुनिया पित्तल दी। दुनिया भर के लोग क्या है, पित्तल है, और ये अकेली लड़की क्या है, सोना है। मतलब एक अकेली लड़की बहुत कम है ना, बहुत कम है, और वो सोना है, मतलब ज्यादा खर्चा लगेगा, और सारी दुनिया बहुत ज्यादा है, जे कि बहुत कम पैसे में आ रही है, पित्तल है इसलिए कम पैसे में आ रही है। तो ऐसे वो गा रहा है, बेबी डॉल में सोने दी जो कम आती है ज्यादा पैसों में, और सारी दुनिया पित्तल दी, मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में है कम पैसे में आती है दोस्तों, और ये बीच में रखेंगे। ठीक है, 30% आइटम्स आएंगे इसमें और खर्चा कितना होगा 10%, इसमें 50% आइटम आएंगे खर्चा कितना 10%, इसमें 20% आइटम आएंगे खर्चा कितना होगा 80% खर्चा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ में एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, और इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि जिंदगी में कभी भी कोई भी एग्जाम में इस कंसेप्ट से अगर आपका पाला पड़े तो आप इसका ताला इजीली तोड़ दे दोस्तों। तो यहाँ पे एबीसी एनालिसिस है, ए टाइप ऑफ एटम, बी टाइप ऑफ एटम एंड सी टाइप ऑफ एटम। दूसरा वीडी टाइप का एनालिसिस है, वाइटल इंपॉर्टेंस ड्रग, इसेंशियल इंपॉर्टेंट ड्रग एंड डिजायरेबल टाइप ऑफ ड्रग्स। और ट्रिक्स क्या है हमारी, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें तीन प्राइज भी होते हैं ना, गोल्ड प्राइज, सिल्वर प्राइज और ब्रॉन्ज प्राइज। तो याद रखिएगा, हमारा गाना मत भूलिएगा, बेबी डॉल में सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी और बीच में सिल्वर आएगा। तो देखिए क्वांटिटी कितना आ रहा है यहाँ पे, ए टाइप ऑफ, वाइटल टाइप ऑफ ड्रग, जिंदगी बचाने के काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, हमारे स्टोर में होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और इस पे जो है क्वांटिटी 20% आएगा लेकिन खर्चा 80% होगा क्योंकि महंगे होते हैं ना। अब हमारे खर्चे में से बचा 20% है, वो 10% इस पे, 10% इस पे खर्चा हो जाएगा। क्वांटिटी कितना आ जाएगा, ये सिल्वर है दोस्तों, बी टाइप ऑफ एटम, इसेंशियल है, 30% ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी हमें। ठीक है, 10% खर्चा करके 30% आ गई, इस पे भी 10% खर्चा करके इसका क्वांटिटी ज्यादा आएगा, सस्ता होगा ना ये, इसलिए 50%। तो इसमें डिजायरेबल सी टाइप ऑफ एटम्स यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं इस पे सवाल कैसे बनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जरूरी चीज बता दूं दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स के जितने भी वीडियोस बने हैं, बन रहे हैं और आगे बनेंगे, इनके जो भी नोट्स है वो हमने हमारे सुपर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करे हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहो तो इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको मात्र 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना होगा। जो कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा एक में मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपके फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रिपरेशन के काम आएंगे दोस्तों। और इसे दोस्तों में भी जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम और एक चीज आपसे डिस्कस करें दोस्तों, फार्मा नोट्स के साथ हम हमारा प्राइमरी करियर तो सेट कर लेंगे, लेकिन सेकेंडरी जो है, आगे अगर जिंदगी में आपका कभी ट्रेडिंग से पाला पड़े दोस्तों, है ना, तो ट्रेडिंग में जाने से पहले मैं चाहता हूं ट्रेडिंग और आपके बीच में हमारा एक चैनल रहे, सेवन सेंस, जहां पे हमने सारी चीजों से आपको अवेयर किया हुआ है। आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए यहाँ पे प्रवृत्त किया है, ना कि ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आप कभी ट्रेडिंग करना चाहो तो पहले मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के, इस चैनल के कॉन्टेक्ट में आए और यहां से अपना सारा नॉलेज जो है बटोरे। जैसे फार्मा नोट्स पे पढ़ाते हैं इजीली, वैसे ही सेवन सेंस पे हम ट्रेडिंग नॉलेज, शेयर मार्केट नॉलेज, स्टॉक मार्केट, जो भी आप बोलो, ये सारी चीजें से आपको अवेयर कराते हैं, ताकि आप जिंदगी में कभी किसी फ्रॉड के चक्कर में ना आए। तो पहले ट्रेडिंग सीखे, उसके बाद में आगे जाए, तो ये एक पैसिव अर्निंग का सोर्स बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी फेनोमेनान है, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इक्विटी, डेरिवेटिव मार्केट जैसे होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आईपीओ जो होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एसआईपी जो होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी रखना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और हम फार्मासिस्ट हैं, हम किसी भी बात की जानकारी आसानी से रख सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है दोस्तों, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ सीखने में जरूर लगाइएगा। तो शेयर मार्केट में ये बुलिश कैंडल्स क्या होती है, बेयरिश कैंडल्स क्या होती है, किस तरह फॉर्म होती है,
ये टेक्निकल प्राइस एक्शन क्या कंसेप्ट है, चार्ट एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप मार्केट में सीखना चाहो कभी ज़िंदगी में आगे फ्यूचर में, तो इसके लिए आपको 15,000, 30,000, 1,00,000 की डिमांड की जाती है दोस्तों ये पढ़ाने के लिए। लेकिन सेवन सेंस ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से पढ़ाती है, ये सारी चीज़ों से आपको अवेयर कराती है, जिसके आज फैमिली 1,50,000 से भी ज़्यादा फैमिली बनी हुई है दोस्तों, ये सब्सक्राइबर इतने बने हुए हैं। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ एक वीडियो के साथ में, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज़िंदगी में आगे कभी काम पड़े तो आप वहाँ से अपना जो ट्रेडिंग का नॉलेज है वो बटोर सके दोस्तों। और ट्रेडिंग अगर आपको आ जाती है तो इससे कोई अच्छी बात ही बनेगी कि अगर आप 5-6 हज़ार अपने लिए बना लेते हो, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा तो भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें स्ट्रांग हो जाएगी, बुलंद हो जाएगी दोस्तों। आज जो अमेरिका का $1 जो है हमारे 82 रुपीज़ के बराबर है, हम चाहते वो $1 1 रुपीज़ के बराबर आए और आने वाले दिनों में भविष्य में ये ₹1 जो है $82 के बराबर जाए, जिससे इंडियन इकोनॉमी और भी स्ट्रांग होगी दोस्तों, ठीक है। तो नीचे दिया हुआ लिंक जो है वीडियो का उसे क्लिक करें, वीडियो को देखें और समझे, इस चैनल के सारे वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेडिंग भी समझ में आ जाएगी दोस्तों धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं हमारे इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड पे एग्जाम में क्या सवाल आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो देखिए यहां पे सवाल आया है, एज पर एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड ए टाइप ऑफ एटम्स आर, ए टाइप के एटम्स क्या है। तो देखो यहां ऑप्शन दिया है 20% एटम्स अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, 30% ऑफ एटम्स अकाउंट फॉर 25% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, 50% ऑफ एटम्स अकाउंट फॉर 5% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, या फिर 70% एटम अकाउंट फॉर 30% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। तो देखिए ए टाइप का एटम है, गोल्ड टाइप का है, वाइटली इंपॉर्टेंट एटम है, तो ये तो बहुत कम क्वांटिटी में होना चाहिए ना, क्योंकि वो क्या बोलती है लड़की, मैं बेबी डॉल में सोने दी, एक ही लड़की है, बहुत कम क्वांटिटी है, लेकिन सोने की बात करिए तो महंगा है, तो आइटम तो छोटा है ना, बिल्कुल 20% ही रहेंगे आइटम, ये 30 है 50 है 70 है तो छोटा रहेगा लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे खर्चा ज़्यादा दिख रहा है आपको, खर्चा ज़्यादा है, क्वांटिटी कम आ रही है, तो ये ए टाइप में आ जाएगा दोस्तों, कौन से टाइप में आएगा, ए टाइप में आ जाएगा, तो यहाँ से ये आंसर इसका सही होगा। ये जो है आपका देखिए 30% की बात कर रहा है, आइटम अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ एनुअल कंजम्पशन, तो देखिए 30% हमारा एबीसी का क्या क्राइटेरिया है, 20, 30 एंड 50, 20, 30 तो 50 हो जाएगा, बचा 50 जो सी टाइप में चला जाएगा, तो ये जो है ये बी टाइप में आएगा आइटम और ये जो है सी टाइप में आएगा, ये 30% है, 25 खर्चा लेके गया, 70 इसने लेके गया, बचा हुआ 30 जो है वो इसने 25 लेके गया, इसने 5 लेके गया, ठीक है। जो सी पे होता है बहुत कम खर्चा होता है, बी पे इंटरमीडिएट होता है और ए पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो ये पित्तल दी वाली दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी है, 50% है जिसपे बहुत कम खर्चा आएगा, पित्तल है ना इसलिए कम खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये सी टाइप में आ गया, ये तो ऐसे ही बनाया हुआ ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है 30% आइटम्स अकाउंट फॉर 25% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द आइटम्स आर विच टाइप ऑफ आइटम्स एज पर एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड। तो बताइएगा, देखिए 30% की बात चल रही है, ना कम की चल रही है ना ज़्यादा चल रही है, बीच की चल रही है, ना 20 की बात हो रही है ना 50 की बात हो रही है, 30% आइटम्स है भैया और 25% यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन चल रहा है ना, 80% तो ए टाइप खा गया, बचा हुआ 20 है, 10-10 यहाँ पे बांटेंगे तो 10 में वो 20 में से भी इसको उसने 70 दे दिया ए को, बचा हुआ 30 इसको 25 मिलेगा, 5 सी आइटम को मिलेगा, तो ये 25% यहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो ये कौन से टाइप में आएगा, ए आइटम्स, बी आइटम्स, सी आइटम्स या डी आइटम्स, तो ये आएगा दोस्तों इंटरमीडिएट वाला, सिल्वर वाला बी टाइप में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो ना, सिल्वर वाले आएगा, ना गोल्ड आएगा ना पित्तल आएगा, सिल्वर आएगा बी टाइप। नेक्स्ट है पेरेटो प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है, तो पेरेटो प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे इतने सारे कंसेप्ट के अनुसार कि देखिए यहाँ पे जितना कम क्वांटिटी होगा, ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है, क्वांटिटी कम होगा लेकिन उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर क्वांटिटी जब ज्यादा होती है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, कम होता है ना। जब आप सोना ले रहे हो तो कम आ रहा है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप पित्तल ले रहे हो तो ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, खर्चा कम हो रहा है, तो यही है पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड में फुल फॉर्म बताने हैं, अलग अलग टाइप के आइटम के, एबीसी एनालिसिस में ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप के आइटम के फुल फॉर्म बताइए, वीईडी एनालिसिस में वी टाइप, ई टाइप, डी टाइप का फुल फॉर्म बताइए आइटम्स का। तो एबीसी का क्या होगा, अलवेज बेटर कंट्रोल,
और वीईडी का क्या होगा, वाइटल इसेंशियल एंड डिजायरेबल। बस इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी अड़चन नहीं आएगा दोस्तों, कोई भी आपको अड़चन नहीं आएगी। और अगर आती है तो हम है आपके लिए, नए नए वीडियोज इस तरह से अवेलेबल करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे और आपको मजा भी आए। तो एक बार उस गाने को भी दोहरा देना, कौन सा, बेबी डॉल में सोने दी ये दुनिया पित्तल दी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन खास वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।